अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सलीम है। मेरी वाइफ को थोड़ा पेट में प्रॉब्लम था, तो मैं वो प्रॉब्लम पेट में दर्द होने की वजह से मैं यहाँ पर एक डॉक्टर सईदा महरूनी साहब बोल के थे, उनका ने लेके आया मैं। उनका ने लेके आने के बाद में उन्होंने जो है सो टेस्टा लिखे, जाके आप ये स्कैनिंग कराइए, ये कराइए बोल, तो मैं पूरे स्कैनिंग टेस्टा सब करा के लेके आया। लेके आने के बाद में इन्हों जो है सो मेरे को बोले कि भाई ये देखो बच्चे को बहुत प्रॉब्लम है, इसको ऑपरेशन करना पड़ता, तो सर्जरी करने के लिए 60,000 रुपीज़ होते हैं। आप जो है सो मैं सर से बात करके आपके लिए कुछ कम कराते हैं, तो मतलब कुछ कम कराइए फिर देखेंगे मैडम, ऑपरेशन ही कंपलसरी है बोले। हम ऑपरेशन ठीक है बोल के मैं क्या करा, रात में 40,000 ला के दिया उन्होंने। 40,000 देने के बाद में उन्होंने बोले 15,000 आप बाद में दीजिए मेरे को, ऐसा फिलहाल बोल के ले लिए उन्होंने 40,000। लेके सुबह में 7 बजे मेरे को काटेदन जाके फ़ोन करो बोले, बच्ची को कुछ भी नको दो खाने के वास्ते, रात में सुबह ऑपरेशन कर देते बोले। ठीक है बोल के रात भर उसको कुछ भी नहीं दिए, सुबह में काटेदन गए तक भी उन्होंने हॉस्पिटल का नाम भी नहीं बोल रहे मेरे को। मैं बोला मैडम काटेदन आ गया, तो फिर बोर्ची होटल कने आइए बोले। बोर्ची होटल कने जाके फ़ोन करा तो उसके बाजू में एक दवाखाना है, वो श्री साई धनुष बोल के हॉस्पिटल है, हम वहाँ जाइए बोले। मैं वहाँ गया तो वो हॉस्पिटल देखे तो छोटा, बाथरूम भी बड़ा होगा उतना दवाखाना है वो। मैं बोला मैडम ये कहाँ भेज दिया आप मेरे को बोले, तो नहीं नहीं आप बेफिक्र रहिए, सर आ रहे हैं मैं भी आ रही हूँ, सब देखेंगे वहाँ ऑपरेशन होते रहते, ऐसा ऐसा बोले। वो हॉस्पिटल के उन्हों आए संतोष कुमार बोल के, उन्हों आके देखे रिपोर्ट देख के बोले बच्ची को खून कम है, मेरा बालापुर में और एक ब्रांच है, वो ब्रांच में जाके आप खून चढ़ाएंगे कल ऑपरेशन करेंगे बोले। अच्छी बात है बोले, खून की बॉटल आती 1200 रुपये, 1000 रुपये में, इन्हों मेरे से 2500 लिए, मैं दे दिया जान दीजिए बोल के, इमरजेंसी बोले 2500 दे दिया। उन्होंने खून मंगाए, खून मंगा के चढ़ाए, सुबह में 7 बजे उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में चले गए लेके, इन्हों मैं आती हूँ बोल के बोले, इन्हों आए नहीं, इनको फोन कर रहे हैं कर रहे हैं, उठा रहे हैं नहीं इन्हों फोन। आखिर में वो डॉक्टर क्या करा, ऑपरेशन शुरू कर दिया, शुरू करके 15 मिनट के बाद में बाहर आ गया, आके बोल रहा मेरे से नहीं होता ये ऑपरेशन, बड़ा डॉक्टर बुलाना पड़ता, मेरे हाथ का नहीं है ये बोल के उन्हें वापिस स्ट्रेचर्स। उसको पेट में छाले थे, वो छाले निकालने का था उन्हें, मेरे से नहीं होता ये, मेरे हाथ का नहीं है बोल के काट के। डॉक्टर का नाम क्या है? संतोष कुमार, फर्स्ट डॉक्टर सईदा महरूनी साहब बोल, बट्टापल्ली में इंडियन फंक्शन हॉल की गली में, एमएम जनरल हॉस्पिटल बोल के, मेटर्निटी हॉस्पिटल बोल के। इनो कुछ भी नहीं है, इनो इनका ने कुछ भी नहीं। अब हम लोग ये क्या करे, बाद में वो डॉक्टर भाग गया वहां से, अब आता जब आता जब आता शाम हो गई, उन्हें नहीं आया, बच्ची को खाली ग्लूकोज चढ़ा के छोड़ दिया उसके सांस नीचे। फर्स्ट डॉक्टर सईदा महरूनी साहब बोल, बट्टापल्ली में इंडियन फंक्शन हॉल की गली में, एमएम जनरल हॉस्पिटल बोल के, मेटर्निटी हॉस्पिटल बोल के। इनो कुछ भी नहीं है, इनो इनका ने कुछ भी नहीं। अब हम लोग ये क्या करे, बाद में वो डॉक्टर भाग गया वहां से, अब आता जब आता जब आता शाम हो गई, उन्हें नहीं आया, बच्ची को खाली ग्लूकोज चढ़ा के छोड़ दिया उसके सांस नीचे ऊपर हुई, पुकारा करे तो वो नर्स आके ऑक्सीजन लगाई, फिर पूरे जने आए। आने के बाद में इनू भी आए, इनू भी आके क्या करे, नहीं ऐसा नहीं है वैसा होता, मतलब वैसा नहीं, पुलिस स्टेशन कंप्लेन करा, मैं कंप्लेन करे तो वहाँ बुलाए तो पहले इनकी डिग्री पूछा, तो इनके ने डिग्रीज नहीं है कहते, इन्हें नहीं मैं डिग्री नहीं हूँ, मैं खाली यूनानी दवा देती हूँ बोले। फिर ये पूरा हॉस्पिटल खोल के छोड़ दिए, नर्सिंग होम पूरा पूरा नर्सिंग होम बोल के, मेटर्निटी है नर्सिंग होम बोल के पूरा है उनका, सब पूरा बोर्ड था इनो। अब जब से ये केस हुआ उन्होंने पूरा फाड़ दिए, वो स्टिकर फाड़ दे रहे पहले पूरा। एडमिट हम इन लोगों को संडे के दिन लेके आए, संडे के दिन सुबह मॉर्निंग यहाँ पे काटेदन करे, तो काटेदन से उन्होंने संडे वहां भिजा दिया बालापुर, बालापुर भिजा के वहाँ खून चढ़ाए सारा दिन चढ़ा के, मंडे मॉर्निंग इन्होंने ऑपरेशन करे वहां से। अभी वहाँ महिला वहाँ मीरपेट में करे थे तो इनको वहीं बुलाए थे, तो अभी हम लोग बहुत टेंशन में थे, इसलिए वहाँ भी अभी कुछ भी एक्शन नहीं लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी जाना था, पेशेंट सीरियस था, वहाँ से लेके अवेसी में शिफ्ट करे वो बच्ची को। इनकी तरफ से कल एक फोन आया फलाना, ये मैडम के शौहर की तरफ से, ये मैडम के शौहर भी आए वहाँ पे उसके साथ आके, जो है सो जो भी है बात कर लो, मेरे को इनके भाई मर्डर करे हुए गए, उन्होंने बोले भाई मेरे खात मेरे बहन का केस है, वो आप कुछ भी नहीं कर रहा, मेरे 40 लिए थे ना, आपको 50 दे देते, आप ये केस क्लोज कर दो बोले। ठीक है आप नको मेरे को 50, मैं जो करने का है मैं करता हूँ बोल के इधर ये स्टेप उठाए हम लोग आके इधर। अब कंडीशन डॉक्टर बोले कुछ भी नहीं बोल सकते, का कंडीशन अच्छा होना चाहिए, आपका क्या डिमांड है? नहीं डिमांड नहीं, हमारे को हमारा पेशेंट अच्छा होना, और ये लोग जो ये जो धोखे से ऑपरेशन खोल के बैठे,
ये गरीबों को फंसाने के वास्ते बैठे, किसी जान से खेलने के वास्ते इन्हों पुलिस स्टेशन में इन्हों बयान दिए कि डॉक्टर बयान दिया मेरे को नहीं मालूम 15,000 रुपए में इनसे बात करा, बोले इन्हों 40 हमारे से लिए उसको 15 दे दिए, इन्हों कमीशन पे काम कर रहे, इन्हों कुछ भी नहीं है, खाली लोगों को बोलते मैं वो ऑपरेशन थिएटर में, मैं वो थिएटर में हूँ, कुछ जी डॉक्टर क्या करे, डॉक्टर खाली सर्जरी कर दिए खोल दे के टाके डाल के फिर चल दिया, उन्होंने नहीं करा कुछ भी नहीं करा, उन्होंने नहीं नहीं करा है, अभी कराएंगे जब तक गमला 3 दिन से बच्ची के पीछे पड़े हुए थे हम।